मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके में सैकड़ों लोगों के साथ जालसाजी करके फरार हुई एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। पीड़ित लोग दो दिन पूर्व नियामतपुर टोल प्लाजा पर चल रहे किसान के धरने के माध्यम से भी अपनी बात जिला प्रशासन तक पहुंच चुके हैं। दरअसल मुंडा पांडे सहित आसपास के क्षेत्र में रकम दुगनी करने के नाम पर प्याराई नाम की फाइनेंस कंपनी ने सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष अपने हाथों में पैम्पलेट लेकर उक्त कंपनी के खिलाफ विरोध जताने पहुंचे हुए थे। इन लोगों का आरोप था कि उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले फिरोज ने ही झूठ बोलकर उनके पैसे जमा करा लिए। उसने डबल करने का वादा किया था, लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद भी जब उन्हें रकम नहीं लौटाई गई तो पीड़ित लोगों ने फिरोज से संपर्क साधा, लेकिन वह अभद्रता करने लगा, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। सभी गांव सिरसकेला निवासियों का कहना है कि हमारे पैसे वापस होने चाहिए, नहीं तो फिरोज व उसके साथियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। क्या मामला है सब? मामला यह है, मेरे घर पर आया फिरोज, हमारे गांव का रहने वाला बस्ती का। हमने मना कराया दो तीन बार, भगाया भी, हमारे बच्चों को बैठा कर उसने आगे नौकरी बातें करे। मुझसे बोला जब तुम्हारे 1.5 लाख रुपये जमा होंगे 2.25 लाख रुपये तुम मिलेंगे। हमने क्या, मैं बीमे ले लेकर भाग रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं रुपये दूंगा तुम्हें बीमे वाले का कोई मतलब नहीं। मुझसे जब पूरा काम का एक रात हुआ तो मैं दूंगा, मैं ना अकेला पूरा काम क्या रहा है चीज की, और घरों घरों तुमने जिम्मेदारी ली है। अब हमें 2.25 लाख ना चाहिए, जो हमारे जमा हुआ हमें वही मिल जाए, 1.5 लाख मिल जाए हमारे। हम 75,000 रुपये जो बढ़ोतरी का वो भी नहीं जाए, हमारी जो जमा इकट्ठी हुई है पहुँचे हुए वो मिल जाए हमारे। अच्छा कितने बंदे होंगे आपके गाँव के सारे टोटल? लमसम होंगे जी, ऐसा मान लो पूरी मुसलमानों की बस्ती पूरी समझ लो, कोई ना की बात। अच्छा लगभग पेमेंट कितनी होगी सर? पेमेंट होगी 1.5 करोड़ के आसपास तो होगी सबकी, 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ सबकी। आप क्या चाहते हो? आप हमें हमारा पैसा दीजिए साहब। हमारी बच्ची जमान बैठी अली भट, उसके लिए हमने डाला था, अब वो पैसे हम लेने गए तो हमें मार मार आओ उल्टा, और बुरी भली गई हमें, और पैसे नहीं दे रहे हमारे। तो आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम अपनी बच्ची की शादी कराएंगे। अच्छा आपके मकान कच्चे हैं या पक्के मकान? कच्चे हैं, हमारे मकान कच्चे हैं। उसी के लिए पैसे इकट्ठा करा था आपने? उसी के लिए करा था। अच्छा क्या कहना है उनका? अब उनका ये कहना है कि हम पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्या बात? अब अल्लाह जाने भैया, उन्होंने जब उसका घर पर गए तो उन्होंने माना कर और कंपनी भाग गई, तो ये कहता था कंपनी भाग गई। और घर पे लेने गए तो हमारे मारा तोड़ा हमने, बदतमीजी की है, बदतमीजी करी है। तो आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं हमारा पैसा मिल गया, और ये कहा कि 1 लाख से 2 लाख दूंगा मैं, मेरा गिरमान पकड़ लियो, अगर क्या करना है मैं पैसा ना दूं, मैं तुम्हारे गांव का हूँ, अपनी जिम्मेदारी का रहने वाला है वो फिरोज, वो अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरे मोहल्ले का फिरता था, जिम्मेदारी अपनी ली, अपनी जिम्मेदारी ली है। आपका ये मामला, हम पैसे जमा करें लड़की के लिए, उसने पैसे दिए ना, हमारे टाइम पे भी ना दिए, हमारी शादी करी दो लड़कियों को पैसे ना दिए, और फिर दो भी करेंगे पैसे ना दे रहे हैं वो। 4 साल फिर कितने साल से जमा कर रहे हो बेटी के लिए पैसे आप? होगा होगा 6-7 साल, 5 साल से ज़्यादा हो। तो अब क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है पैसे मिलने चाहिए, लड़कियों की शादी आ गई हमारे। नहीं कितने साल हो गए आपको जमा करते हुए पैसे? आपको 7 साल, 8 साल, 8 साल हो गए। आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलो आप। अच्छा यहाँ पर कौन एजेंट है उसका? कौन लेता है पैसे यहाँ पर? और हमें पैसा ना मिल सका, हमारी लड़की अब चाली हो गई, हमें पैसा मिल सके। कितने साल हो गए आपको जमा करते हुए? हमें 3-4 साल, 5-6 साल तो लगी पड़े। अच्छा क्यों जमा कर रहे थे आप? क्या बजे शादी के लिए करा? किसकी? लोनिया की। कितने पैसे बैठेंगे आपके? कम 1 लाख रुपए। कितनी महिला हैं ऐसी जिनके पैसे हैं सब? 50। अच्छा कौन सा गांव है ये? पैसे किसे जमा करे थे आपने? कहाँ के निवासी है वो? कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजगढ़ के रहने वाले।